अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है, रिस्क जोन में है हम या सेफ जोन में? नीरज जी, मुझे तो कहीं से भी कोई सेफ्टी वाली बात नजर आती नहीं है। लार्जली अगर मैं इस पॉइंट को एड्रेस करूं जहां पे अभी तक हमारे मार्केट ने कोई बहुत बड़ा करेक्शन दिखाया नहीं है, जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर, 5% यूएस यील्ड एंड फर्दर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई कमोडिटी प्राइस सब है, मुझे लग रहा है इट्स ओनली बिकॉज हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी जो है बहुत रिजिलियंट है अगेंस्ट द ग्लोबल मार्केट्स एंड स्ट्रॉन्ग है। देयरफॉर अगर मैं जीएसटी कलेक्शंस को देखूं तो वो सारे नंबर अभी भी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। सो देयरफॉर इमीडिएट ट्रिगर ऐसे नहीं बन रहा है कि कोई ऐसी कोई फंडामेंटल में बदलाव हुआ हो जिसको देखिए इमीडिएटली मार्केट करेक्शन मोड में चला जाए। हाउएवर ये जो सर्कमस्टेंसेस जिसमें अभी ये पूरी चीज बनी हुई है, जहां पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं एंड टिपिकली इलेक्शन से पहले जहां पे इस तरह की अगर कोई रैली ऑलरेडी एक लेवल पे हो चुकी है तो वहां पे मार्केट वापस एक रैली नहीं देता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रहेगा। अपसाइड जो है वो मुझे लिमिटेड लग रही है एंड यहाँ से अगर मार्केट 5-10% करेक्ट भी हो जाए, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप, देन आई वोंट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज जो रैली हमने पहले भी कई बार शोज में मैंने ये बार बार चर्चा कही है कि ये कुछ हिस्टोरिक जैसा हुआ है एंड क्योंकि एक एफआई की एक इनफ्लो एक मिड एंड स्मॉल कैप में कई अरसों के बाद आई और वहां पे टिपिकली जो है आपके पास एक लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है क्योंकि छोटे मझोले शेयर होते हैं, लार्जली कॉर्नर्ड होते हैं, इसलिए प्राइस के अंदर में हमने इतना बड़ा जंप देख लिया है। बट हाल एंड फिलहाल अगर हम मार्केट की चाल को देखें तो जहां पे एक दिन मार्केट ऊपर जाता है 2 दिन के बाद वापस करेक्शन आ जाता है, इसलिए ये भी एक इंडिकेशन है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हम जैसे यहाँ पे आते हैं और चर्चा करते हैं, सी मार्केट जब ऊपर जाता है या मार्केट जब नीचे जाता है तो ये कोई टाइम नहीं कर सकता, इट इज नॉट अ इमीडिएट एक्शन टू रिएक्शन, बट माहौल बनता है, कुछ चीजों के इंडिकेशंस आती है और फिर हम उसे वॉच करते हैं और फिर देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ पे मूव हो रहा है। सो अभी जिस तरह की एनालिसिस चल रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे हिसाब से एक ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट के अंदर में अपसाइड से ज्यादा अब एक कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत डाउनसाइड दिखता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी जो चले जा रहे हैं, जो अब एक्सलरेट हो रहे हैं। पहले मुद्दा सिर्फ रशिया या यूक्रेन का था, अब तो यहाँ पे जो कि हमें पता ही है कि क्या हो रहा है इसराइल में एंड हमास के बीच में, बट इट्स नॉट अबाउट इसराइल हमास, नाउ इज गोइंग बियॉन्ड देम एंड धीरे धीरे करके अब ये एक पॉलिटिक्स जो कंट्री की पॉलिटिक्स है वो वहां पे आएगी, तो कई जगहों पे हो सकता है सैंक्शंस आए, हो सकता है करेंसी के अंदर में मूवमेंट्स आए, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आशंकाएं हो सकती है एंड देयरफॉर मेरे राय में हमें एक सतर्क रहने की जरूरत है और कोई भी फ्रेश एलोकेशन करने से पहले मुझे लग रहा है कि कुछ कैश में रह के एक थोड़ा सा करेक्शन देख के ही इन्वेस्ट करें। एक तरह का जो अभी एक तेजी का ट्रेंड चल रहा है उसमें कैरिड अवे होने की अब कोई जरूरत नहीं है। मार्केट ने बहुत बड़ी रैली लास्ट 8 महीने में दे दी है और अब थोड़ा सा रुकने का समय आ गया है।